हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग बीपीएस का 2023 का पीवाईक्यूज देख रहे हैं और अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा। तो क्वेश्चन ये कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। द फर्स्ट सिक्स नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज, पहला 6 नंबर ये दिया गया फिबोनाची सीरीज का, और बोला जा रहा है सी प्रोग्राम लिखना है जिससे हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर सके एन टर्म तक के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये सब आपको जनरली क्वेश्चन होता है, तो ये सब आपको फिबोनाची सीरीज हो गया, फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, सम ऑफ डिजिट हो गया, ये सब फेमस सब क्वेश्चन होता है, तो ये सब आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिकर्जन की हेल्प से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है रिकर्जन की हेल्प से करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची सीरीज का आपको मालूम होना क्या, फिबोनाची सीरीज में मेरा पहले दो डिजिट का सम होता है बाद वाला डिजिट। जैसे यहाँ पे देखिएगा 0 1 करेंगे तो 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो पिछला दो टर्म को सम करेंगे तो अगला टर्म आता है, ये मेरा फिबोनाची सीरीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वेरिएबल ले ले रहे हैं एक्स और आई। आई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज प्रिंट करना है तो लूप चलाना पड़ेगा। उसके बाद अपर लिमिट प्रिंट करवा रहे हैं एक्स में, हमको कितना तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वन बाई वन क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म, उसके लिए हम लूप चला रहे हैं और यहाँ पे फिबोनाची सीरीज को वन बाई वन वैल्यू देंगे। जैसे हम पहले कहेंगे क्या, पहले कहेंगे एक टर्म को प्रिंट करो, ठीक है, फिर अगला टर्म को, फिर दूसरा टर्म को, फिर तीसरा टर्म को, फिर चौथा टर्म को, इसलिए हम लूप लिए हैं और यहाँ पे वन बाई वन वैल्यू उसमें पास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखिएगा पहला वैल्यू मेरा 0 है और दूसरा वैल्यू 1 है, तो अगर एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू अगर 1 है तो हमको 0 प्रिंट करवाना है। अगर ऐसा नहीं, अगर एन का वैल्यू 1 या 2 है, अगर एन का वैल्यू 1 या 2 है तो हमको 1 रिटर्न करवाना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एन इक्वल टू 1 के लिए मेरा 0 प्रिंट होना चाहिए और 2 और 3 के लिए 1 1 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया एन इक्वल टू 1 के लिए 0, और या फिर एन इक्वल टू मेरा 1 या फिर 2 रहेगा तो हमको 1 रिटर्न करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको प्रिंट करवाना है। जब भी अगर ऐसा नहीं हुआ, एन इक्वल टू 0 नहीं हुआ, एन इक्वल टू 1 2 और 3, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था 2 और 3। ठीक है, ऐसा हो गया तो उसके बाद रिटर्न करना है हमको 1, नहीं तो हमको दो पिछले दो टर्म को सम करना है। जैसे अगर एन आ रहा है तो एन माइनस 1 और एन माइनस 2 करना है, इसलिए दोनों को टर्म इसको चलिए रन करवाते हैं। ओके गाइस, इस फॉर्म रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए इस फॉर्म ले आते हैं अपने कोड एडिटर में और इसको हम रन करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अगर एन का वैल्यू मेरा 1 है, अगर एन का वैल्यू 1 है तो हमको 0 रिटर्न करके देना है। अगर एन का वैल्यू 1 नहीं है, अगर मान लेते हैं 2 है, तो 2 है या फिर एन का वैल्यू मेरा 3 है, 2 है या फिर 3 है, तो मेरा 1 रिटर्न करके देगा। ओके, चलिए इसको रन करवाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसको रन हो रहा है और यहाँ पे हम कोई वैल्यू देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आएगा। तो फिबोनाची हो गया, कुछ कुछ जैसे क्वेश्चन फेमस होता है वो सब आपको चाहिए, तो इस सब पे हम ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, और रिकर्जन की हेल्प से करना था तो आसानी है। ओके, इसी को थोड़ा सा लूप की हेल्प से करना पड़ता था तो थोड़ा सा वहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा लेना पड़ता तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रिकर्जन से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से हो जाता है। जैसे अपर लिमिट बोल रहा है 6, तो हम 6 तक ही लेकर देखते हैं, तो 6 तक देख सकते हैं जो मेरा क्वेश्चन में मेंशन था। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेरा मेंशन था 0 1 1 2 3 5, तो 0 1 1 2 3 5 मेरा आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पीछे तक तो हम वेरीफाई कर लिया। चलिए एक और यहाँ पर ले लेते हैं, इस बार 10 टर्म तक करा लेते हैं प्रिंट। ओके गाइस, इस बार हम 10 टर्म तक प्रिंट करवाएंगे। चलिए 10 टर्म प्रिंट करवा लेते हैं, पहले यहाँ पे रन हो के आवाज हो जाए। ओके, आ गया, 10 टर्म तक प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो 10 टर्म तक देखिएगा तो पिछला जो भी यहाँ पे है मेरा आ गया है आंसर, 10 फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके आ गया है। ओके गाइस, तो अब रन करके दिखाएं तो आप, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उस स्पेशली क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं आपको सब कुछ आता है और यहाँ पे बस आपको आइडिया लेने के लिए बैठे हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में।